हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल केएलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट किसका, पॉलिटेक्निक आईआरडी का मैथ का पार्ट 9 प्रैक्टिस सेट। देखिए जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं प्रैक्टिस सेट, पार्ट 1 हो चुका, ठीक है। अब इसका पार्ट 8 तक आपको मिल जाएगा, आज आपको एक पार्ट शाम तक मिल जाएगा और धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। चलते हम लोग अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, मैथ के पार्ट पे। देखिए मैथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद है, मैथ आप ज्यादा पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब नॉर्मली पढ़िए जितना आपको आ जाए, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि 2x - 1/3x = 4 हो तो 27x³ - 1/8x³ का मान क्या होगा। देखिए इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे बनाना है देखिए, यहाँ लिखा है 2x - 1/3x = 4। अब वैल्यू किसका पूछा गया है, 27x³ - 1/8x³ का, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें ऐसी संख्या से आप गुणा कराएंगे कि यहाँ आप 3 आ जाए, ठीक है। तो अब किस संख्या से यहाँ गुणा कराएंगे, आप 3 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि अगर हम लोग यहाँ 3 किससे गुणा कराएंगे, 3/2 से, 3/2 से अगर हम लोग इसमें गुणा करा दें तो हम लोग का काम बन जाएगा। क्योंकि जानते हैं 3/2 से क्यों गुणा कराया जा रहा है, क्योंकि हमें देखिए यहाँ 27 कब आएगा, जब हमें 3 यहाँ होगा 3x - 1/2x, तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तब यहाँ 27 आएगा, वहाँ 8 आएगा। तो हमें यहाँ कितना लाना है, 3 लाना है, तो यहाँ 2 तो हटाना ही पड़ेगा, 2 हटाने के लिए हमें 3/2 से इसमें गुणा करा देना पड़ेगा। तो 3/2 से जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2x * 3/2 - 1/2, इसमें तो गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 * 3x = 2। अब यहाँ भी 3/2 ही से गुणा कराना पड़ेगा, 4 * 3/2। अब देखेंगे यहाँ से 2 से 2 हो गया, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2, तो हम लोग का बचा क्या है, 3x - 1/2x = 6। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड क्यूब। अब दोनों पक्षों का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका हम लोग a - b का क्यूब जानते होंगे आप लोग, a³ - b³ - 3ab, एक क्वेश्चन में a + a - b, तो क्या लिखेंगे, a - b³ = a³ - b³ - 3ab, एक क्वेश्चन में a - b। तो ये सूत्र का मतलब ये सेम है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम खोलेंगे तो सेम यही आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, देखिए 6 का क्यूब 216 भी होता है, 6 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 216 आया, कैसे, 36 में 6 का गुणा कराएंगे, 36 + 18 = 21, 216 हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग, अब इसका जब हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका क्यूब होगा तो क्या आ जाएगा, 27x³ - 1/8x³ -, देखिए 3 होता है, फिर 3 * क्या आ जाएगा, 3x * 1/2x, एक क्वेश्चन में 3x - 1/2x = 216। अब देखेंगे इसी का तो वैल्यू हमें ज्ञात करना था, और यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ आपका हो जाएगा, हमें किसका मान गया था, 27x³ - 8x³ - यहाँ क्या हो जाएगा, 3 * 9 = 2 * अब देखेंगे यहाँ हमें पता है किसका मान, 3x - 1/2x का मान हमें पहले मान पता था, जब हम इसका क्यूब नहीं किए थे तो इसका मान कितना था, 6 था, और जब क्यूब कर दिए तो उससे कोई मतलब, पहले इसका मान कितना था, 6, इसके जगह पे 6 रखेंगे, = 216, ठीक है। अब इसको पश्चांतर उधर कर देंगे तो हो जाएगा 20x - 1/8x³ = 2, यहाँ जब इधर आएगा तो ये 9×6 = 54, ठीक है, यह तो काट सकते हैं यहाँ से, 3 हो जाएगा, 9 * 3 = 27, तो 216 + 27, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 7 * 6 = 13, 2 * 1 = 3 = 4, 2, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 243,
इसी का मान तो पूछा गया था, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 243। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए हमने क्या किया, हमारे क्वेश्चन में दिया था ये चीज, ठीक है, अब पूछा तो किसका था मान इसका, तो मैंने क्या किया इसके रूप में लाने के लिए हमने क्या किया इसमें 3/2। देखिए आप ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें किसी से पूरा। अब देखिए अगर यहाँ दिया होता 2x-3x, यहाँ दिया होता यहाँ 27 नहीं यहाँ दे दिया जाता, ऐसे दिया होता क्वेश्चन, तो हम लोग कुछ नहीं करते। यहाँ 8 दिया होता और यहाँ 27, तो इसका हम सीधा सीधा क्या करते हैं, बहुत सारा क्यूब कर देते हैं, दो बोर्ड दो मतलब दोनों पक्षों में क्यूब करते हैं, तो सीधा सीधा हम लोग का आंसर कुछ भी आता जो आ जाता, ठीक है। पर यहाँ क्या इसने उल्टा कर दिया, यहाँ दे दिया 8 और यहाँ दे दिया 27, इसको हम बनाने के लिए हमने क्या किया 3/2 से गुणा करा के, मतलब बहुत साइड में 3/2 से गुणा करा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 243। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है a इक्वल टू x अपॉन x प्लस y तथा b इक्वल टू y अपॉन x माइनस y हो तो a b अपॉन a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, a इक्वल टू x अपॉन x प्लस y, ठीक है, और b इक्वल टू क्या दिया है y पान x माइनस y। वैल्यू किसका पूछा गया है, ए बी अपान ए प्लस बी। अब देखिए हमें क्या करना है, इसी में मान फूट करके हम लोग का मान निकालना है। अब देखिए ये की जगह पे क्या रखेंगे, x प्लस वाई इंटू यहाँ y के b की जगह पे क्या रखेंगे y अपान x माइनस y, यहाँ क्या लिखेंगे x अपान x प्लस y प्लस y अपान x माइनस y। अभी आपको पता होगा एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको सूत्र पता होगा, ठीक है, तो ये सूत्र हमें यूज करेंगे। जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो जाएगा x y अपान x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और यहाँ क्या करेंगे, इनका x प्लस y और x माइनस y का एलसीएम क्या होगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब देखते हैं, अब इसका इसमें गुणा कराएंगे और इसका इसमें गुणा करा देंगे, यहाँ गुणा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ कराएंगे तो प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये जब ऊपर जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का बचेगा क्या, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें वैल्यू पता चल गया ए बी अपॉन ए प्लस बी का। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें कुछ समझने की बात नहीं था, मतलब क्या दिया था, ए इज इक्वल टू दिया था एक्स अपान एक्स प्लस वाई, बी इज इक्वल टू वाई अपान एक्स, जैसे क्वेश्चन सेम रहेगा, मतलब डिजिट चेंज रहेगा। अब यहाँ की जगह पे कुछ नंबर ही दे सकता है, जैसे एक्स इज इक्वल टू दे सकता है यहाँ 3/2 वाई, और बी इज इक्वल टू दे सकता है 5/7, तो पूछ लेगा ए बी अपान ए बी, और इसे भी पूछ सकता है बी अपान ए प्लस ए अपान बी का मान होता है, और यहाँ दिया रहेगा a इक्वल टू 3/2 और b इक्वल टू 7/5, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, तो सेम करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, कि नहीं आप इसमें से कुछ हल करेंगे, बस सम्मान रख देना है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है देखिए अच्छे से पढ़ते हैं, क्वेश्चन है समान आयतन के दो लंबवृत्त बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, उनके अर्धव्यास, हमने बताया था आपको अर्धव्यास क्या होता है, अर्धव्यास जो होता है उसके त्रिज्या के बराबर होता है, d इक्वल टू r, क्यों होता है, जब कहेगा व्यास, व्यास क्या होता है d इक्वल टू 2r, और कहेगा अर्धव्यास मतलब त्रिज्या का आधा जो होता है वो अर्धव्यास होता है, मतलब त्रिज्या जो होती है वो व्यास के बराबर हो जाती है जब अर्धव्यास कहा जाता है, तो ये पूछा है उनके अर्धव्यासों का अनुपात, या तो आप त्रिज्या का अनुपात निकाल लीजिए या व्यास का अनुपात निकाल लीजिए, बात सेम ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि d इक्वल टू r होता है किसके कंडीशन में, अर्धव्यास के कंडीशन में। समान आयतन के दो लंबवृत्त बेलों की ऊंचाइयां दे दिया है, h1 और h2 का मान दे दिया है, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू 1:1/2 दिया, ठीक है, क्या समान आयतन के दो लंबवृत्त बेलों की ऊंचाई, मतलब जो उनकी फर्स्ट का आयतन मान लेते हैं क्या है, समान लंबवृत्त है, बेलन है, बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, h1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h2, ये हो जाएगा r1
आर टू एच वन एच टू। अब देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच वन का मान वन है और एच टू का मान टू है, तो आर वन अपान आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच टू अपान एच वन ये स्क्वायर होगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है आर वन और आर टू का रेशियो बताइए, आर वन अपान आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच टू अपान एच वन। ठीक है, एक होता है। ठीक है, अगर आप ऊंचाई का मान होता तो सीधा आप अर्धव्यास या त्रिज्या, अर्धव्यास हो जाता तो त्रिज्या के बराबर होता है। यहाँ एच टू इक्वल टू टू दिया है, एच वन इक्वल टू वन दिया है, तो यहाँ मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा आर वन अपान आर टू इक्वल टू अंडर रूट टू अपान वन। तो इसको लिख सकते हैं आर वन रेशियो आर टू इक्वल टू अंडर रूट टू रेशियो वन। तो देखिए हमें जो अर्धव्यास जो होता है, जब अर्धव्यास कहा है तो त्रिज्या के बराबर ही होता है, अगर सिर्फ व्यास कहा होता तो डी इक्वल टू टू आर लिखते हैं तो हम लोग का मान आता है, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू, क्योंकि अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू रेशियो वन दिया। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन इसी बेस पे पूछा जाता है, यहाँ देखिए आयत लंब वृत्त दो बेलन समान दे दिए, कभी कभी दे देता है शंकु का परिमाण, मतलब क्या देता है जो शंकु है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें क्या देगा, जो समान इनके क्या देगा, इसकी हाइट बराबर कर देगा और पूछेगा इनके त्रिज्याओं का अनुपात, बस सेम करना, कंडीशन कुछ बदलता नहीं है, बस क्या करना है आपको थोड़ा सा इसमें क्या, यहाँ कर देंगे आर वन एच वन इक्वल टू वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच एच वन एच टू हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या देखते हैं चीज़ें, दिया क्वेश्चन ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, सी तथा ए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि ए बी सी एक साथ मिलकर काम करें तो देखिए कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए दो व्यक्ति हैं, पहले राम और सोहन, मतलब मान लीजिए ए और बी जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, ए और बी कोई काम करना है उनको, तो वो दोनों गए हैं 12 दिन में पूरा कर दिए। फिर दो लोग और आए, दो लोग आए जो पहले ए के साथ काम करता था, अब वो सी के साथ काम कर रहा है, तो वो बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। अब सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। तो पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों लोग मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो आपको पता है ए ए मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टू ए टू बी टू सी। तो हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं दो को बाहर करके, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब पूछा है कि ए बी प्लस सी किस उस काम को कितने दिन करें, तो पहले पहले अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क में क्या होता है, एलसीएम निकाला जाता है, फिर उसकी एफिशिएंसी निकाली जाती है कि दक्षता कैसे करेंगे काम। एफिशिएंसी निकालने क्या होता है, टोटल काम में से उस काम को डिवाइड करते हैं जितना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल काम हम कैसे निकालेंगे, 12 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए यहां 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, ए 15 बचेगा, ए 10 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ए 3 हो जाएगा, ए 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 1 5 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1, मतलब इसका एलसीएम आ गया 60 60 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी और बी सी और सी ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल काम से डिवाइड करते हैं, टोटल काम हम लोग का कितना है, 60 है, तो क्या करेंगे, 12 25 60, यहाँ एफिशिएंसी ऊपर लिखी जाती है, 15 6 60, 20 3 60, जो इन तीनों का योग होगा एफिशिएंसी के, अगर उसको इससे डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा वो कितने दिन में ए बी सी काम करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9 9 3 12, यहाँ जो 2 है उससे गुणा ही कराएंगे क्योंकि ए बी सी होता है, बटे 12, कितना 12 12 25 60, तो मतलब पता चल गया ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया गया, पहले ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में, तो हमने क्या किया, पहले इनका एलसीएम निकाल लिया, मतलब लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्तक जब हमने निकाला तो कितना आ गया 60, फिर मैंने क्या किया, जिसके एफिशिएंसी निकालना रहता उसके काम से हमने टोटल काम को डिवाइड करते हैं, तो टोटल काम 60 है, तो 12 से डिवाइड किया तो उसकी एफिशिएंसी 5 आ गया, जब 15 से डिवाइड किया तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 आ गया, और जब हम लोग सी प्लस ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए बी से डिवाइड किया तो 3 आ गया, तो पूरे एफिशिएंसी को जब हम टोटल काम से डिवाइड करते हैं, किसी भी टोटल काम में डिवाइड करते हैं, तो उसकी पता चल जाएगा कि वो कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग
अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है सी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, ए ए कार कुशलता में बी से तिगुना कुशल है। देखिए जो ए कार करने की क्षमता है वो बी से तिगुने तिगुना तेजी से कार्य कर सकता है, और इसीलिए किसी कार को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। एक साथ कार्य करते हुए एक मतलब एक साथ कार्य करते हुए ए इस कार को कितने समय, मतलब दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो उस कार को कितने समय पूरा करेंगे, ये पूछा है। पर जो है एक कार कुशलता बी से तिगुना है, समझते हैं। जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से कितना कुशलता से काम करता है, तिगुना। अगर एक ही कार कुशलता में बी से तिगुना कुशल है, बी से तिगुना कुशल है, मतलब कह सकते हैं अगर जो बी एक काम करता होगा तो ए तीन काम करता होगा। ए इनकी क्या है, क्षमता है। अब ये क्षमता क्या होता है, समय के विपरीत होता है। तो इनका जब हम इधर कर देंगे 1:3, मतलब ये क्या निकल जाएगा हम लोगों को, दिन पता चल जाएगा। तो जो ए है किसी काम को एक दिन में करता है और बी उसी काम को तीन दिन में करता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पूरा काम करने में 20 से 60 दिन कम लेता समय लेता है, 20 से 60 दिन कम समय लेता है, मतलब ये 60 दिन में समय लेगा तो ये 20 दिन में समय खत्म कर देगा। तो ए प्लस बी निकालेंगे, अभी मैंने बताया है ए अगर एक दिन में कर रहा है, बी अगर तीन दिन में कर रहा है, तो एक और तीन का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 हो जाएगा। और इसके मतलब ये है काम से, मतलब टोटल काम को डिवाइड करते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे, मतलब ए बी उस काम को 3/4 दिन में पूरा करेंगे। पर यहाँ क्वेश्चन में क्या किया है, जो किसी काम को पूरा करने में बी जो है 60 दिन कम समय लेता है, 60 दिन कम समय लेता है किससे, ए से 60 दिन कम समय कौन लेता है, जो बी से 60 दिन कम समय लेता है कौन लेता है, ए जो है बी से 60 दिन कम समय लेता है। यहाँ कितना कम समय ले रहा है, 2। क्या पूछा है, पूछा रहा है कितने समय में दोनों काम पूरा करेंगे, तो 3/4 समय में 15 हो जाएगा, 15 × 3 = 45 आगे हम लोग का आंसर 22/7/2 दिन, ठीक है। ये निकालना था 22/7/2 दिन, मतलब बी ऑप्शन सही। देखिए ये वाला सुनते, ए का कार कुशलता जो है बी से तिगुना है, ए की जो कार कुशलता है बी से तिगुना है, अगर बी किसी काम को एक दिन में करता है, मतलब एक काम करेगा बी, तो वो एक बी एक दिन में अगर एक काम करता है तो ए एक दिन में तीन काम करेगा। अब दिन क्या लगेगा, इसका उल्टा हो जाता है, जो क्षमता होता है टाइम का उल्टा होता है, यहाँ समय हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने ए और बी का मान निकालना है, ए और बी कितने समय में काम करेंगे उन दोनों, तो ए जो एक दिन में कर रहा है अभी तीन दिन में कर रहा है, तो हमें अभी हमें जस्ट बताया है ए अगर 20 दिन में करेगा, बी अगर 30 दिन में करेगा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ए प्लस बी, इसका एलसीएम मान लेते हैं हम लोग 60 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 2/5, मतलब पता चल जाएगा ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में करेंगे। इसी हिसाब से हमने किया इसको, ए से मतलब ए और 3 का एलसीएम निकाले, 3 आया, ए से पहले 3 को डिवाइड किया, 3 आ गया, एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी 3 आ गया, बी की एफिशिएंसी 1 आ गया, जो एफिशिएंसी जोड़ के टोटल काम से डिवाइड करते हैं तो किसी टोटल काम से डिवाइड तो पता चल जाता है कि वो दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है देखिए अच्छे से पढ़ते हैं। ए और बी एक काम को क्रम से 18 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं और तब ये चला जाता है, शेष काम को भी कितने समय पूरा करेंगे। देखिए पहले क्या कहा, ए जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 24 दिन में पूरा करता है, ठीक है। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं और तब ये चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों कितने समय पूरा करेगा। ठीक है, इसको लगाने के लिए 2 मेथड, पहले मेथड हम बताते हैं आप, ए और बी उस काम कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72, मतलब 72, 18 × 72 और 24 दिन में 72, तो 72/7 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है, हमने आप पहले सूत्र बताया था, वे एक साथ 8 दिन तक काम किए, मतलब जो था वो 72/7 वो एक साथ 8 दिन तक काम किए, 8/72/7, तो उसे ऊपर चला जाएगा। फिर क्या कह रहा है, शेष काम को कौन पूरा करे, शेष काम को बी कितने दिन में, बी कितना दिन में काम करता है, 24, 24 से यहाँ पूरा करा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ 8/72 आ जाएगा, 2/9 = 24, 3/24 8/16/3, 3/5 = 15, 5/1/3 दिन लगेगा बी को काम करने में, 5/1/3 दिन। तो फर्स्ट रूल हो गया, मैंने इसके लिए आपको सूत्र बताया था,
ए और बी मतलब ए 18 दिन करा, बी 24 दिन करा, तो इनका एलसीएम मतलब ए और बी 72 55 तो कह दिया क्या, पहले उन दोनों ने एक साथ काम किया मतलब साथ काम किया, फिर कौन जा रहा है छोड़ के, ए वाला जो है ए छोड़ के जा रहा है कितने दिन में, ए जा रहा है 8 दिन काम करने के बाद छोड़ के चला जा रहा है, तो एक साथ 8 दिन, अगर यही कहा होता कि ए 18 दिन काम करने के बाद छोड़ के चला गया 1-8/18 सिर्फ 18, पर उसने कहा एक साथ उसने काम किया फिर छोड़ गया, तो एक साथ वो कितने दिन में काम पूरा करेगा 72/57, तो फर्स्ट मेथड हो गया। एक मेथड और मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड मेथड देखिए, नहीं तो चलिए बता ही देता हूँ क्या देखिए 44 हो जाएगा, देखिए इसका ऐसे हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 72 आएगा, सेम उस प्रोसेस वही होता है, जो ये दोनों मिलके काम कितना दिन कर रहे हैं मतलब इनकी एफिशिएंसी 7 है, ठीक है, पर क्या कह रहा है ये, वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, तो जब इनकी एफिशिएंसी 7 है तो 8 दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 56 काम और सब खत्म कर देंगे, और उनको करना कितना काम है 72 काम करना है, और उसने 56 काम खत्म कर दिया, और 72 काम मशीन 56 काम घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 काम बचेगा, मतलब 16 काम उन दोनों को पूरा करने में कितना समय लगेगा, हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से क्यों डिवाइड करेंगे, पूछा है 20 इस काम को कितना बचा हुआ काम है ना, कि पहले क्या था ए और बी उस काम को 72 दिन में कर रहा है, पर क्या कह रहा है कि 8 दिन वो दोनों एक साथ काम किए, तो जो उनकी एफिशिएंसी थी टोटल 8, 4 और 3, 7 हो गई, और वो दोनों 8 दिन साथ काम किए तो कितना मतलब 56 काम जो था वो दोनों एक साथ काम खत्म कर दिए, तो जब 72 काम करना था 56 काम खत्म कर दिए, बचा कितना काम 16 काम बचा है, तो बचा हुआ काम कह रहा मतलब बचा हुआ काम मतलब शेष काम, बचा हुआ काम मतलब शेष काम वो बी कितना दिन कर, सीधा कहा बी कितना दिन, तो बी का मतलब एफिशिएंसी कितना है 3 है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 7 5 3, उस मेथड से भी आंसर इतना आया, इस मेथड से भी आंसर उतना ही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो ये क्या है, एक यदि एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो वह 40 मिनट देर पहुंचता है, यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह समय से कितना जल्दी पहुंचेगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दूरी में चाल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया है, यदि एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी चलना है तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, समय निकालेंगे, समय इक्वल टू क्या होता है 40 इक्वल टू दूरी 5 समय, समय इक्वल टू दूरी बटे 4, दूरी कितना दिया है 20 किलोमीटर और चाल कितना दिया है 5 किलोमीटर पर आवर्स, तो हमें टाइम कितना पता चल जाएगा 4 घंटे मतलब यह 4 आवर्स, जब 20 किलोमीटर की दूरी पैदल चल के 5 किलोमीटर घंटा चाल से चलता है तो है 4 आवर्स लगता है, पर क्या कह रहा है 40 मिनट देर पहुंचता है मतलब 4 घंटा उसको पहुंच रहा है पर 40 मिनट देर हो जा रहा था, 4 आवर मशीन हम लोग 40 मिनट घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 आवर्स 20 मिनट, ठीक है, चलिए सिर्फ मिनट लिखते हैं मिनट, ठीक है 3 आवर्स 20 मिनट, फिर क्या कह रहा आगे, ये तो वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करे तो वह समय से कितना जल्दी पहुंचेगा, ठीक है, तो समय फिर निकालेंगे हम लोग, दूरी उसकी चेंज हो नहीं रही है बस उसका चाल में परिवर्तन हो रहा है, तो 4 5 20 4 2 8, देखिए अब 2 5 2 आ गए तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक हो जाएगा 2 घंटा 2 आवर्स 30 मिनट, क्योंकि ये टाइम है, ये 2.5 मतलब इसको आवर्स में पूरा करवाया तो 6:30 हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि 2 आवर्स 30 मिनट, और पहले कितना लग रहा था 30 आवर्स 20 मिनट, तो जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, उनको घटा लेते हैं 3 आवर्स 20 मिनट और यहाँ 2 आवर्स 30 मिनट, अब देखिए मिनट से मिनट को आवर्स को आवर्स, देखिए 20 मिनट से 30 मिनट तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से 1 आवर्स इसमें जाएगा तो हो जाएगा 20 मिनट और 60 मिनट 80 मिनट हो जाएगा, 80 मिनट से 30 मिनट जाएगा तो बचेगा कितना 50 मिनट, और यहाँ क्या 0 0 आवर्स बच जाएगा, तो उसको कितना लग जाएगा 50 मिनट वह पहुँच जाएगा, मतलब कितनी जल्दी पहुँचेगा तो 50 मिनट पहले पहुँच जाएगा अगर वो 8 किलोमीटर प्रति आवर्स से चलेगा, ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर/सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर/सेकंड की गति से चल रहा है पार करती है रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय मतलब जो रेलगाड़ी है व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, देखिए एक मिनट आप एक पॉइंट समझिए, जैसे व्यक्ति और रेलगाड़ी कभी भी कोई भी व्यक्ति या रेलगाड़ी या कोई भी चीज एक ही डायरेक्शन में जाएंगे
तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, जब वो सब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ क्या लिखा जाता है, माइनस लिया जाता है, और जब दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं तो वहाँ क्या लिया जाता है, प्लस लिया जाता है। बस ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, और क्या होता है आपको दूरी पता, बराबर पता होगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होता है। यहाँ दूरी क्या दिया, देखिए कभी भी अगर प्लेटफार्म रेलगाड़ी या किसी का दूरी दिया है तो सबको हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ दिया 180 मीटर रेलगाड़ी है, मतलब उसकी दूरी की लंबाई दे दिया 180 मीटर। जो रेलगाड़ी की चाल है वो क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकंड। सॉरी, रेलगाड़ी की जो चाल है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और जो गाड़ी की दिशा में चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो 20 डिफरेंस माइनस 10, और पूछा क्या है टाइम, तो क्या हो जाएगा 180 इजकल टू 10 इजकल टू t इजकल टू क्या हो जाएगा 10 सेकंड, ओ सॉरी 18 सेकंड सेकंड्स 18 सेकंड्स आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या देखिए अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। दिया क्या है, एक शंकुआकार बर्तन जिसके अंदर की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, मतलब कोई शंकुआकार बर्तन है, मान लीजिए इस तरह से है, इसमें क्या क्या कर दिया, इसकी जो अंदर की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर है, किसी तरल पदार्थ से भरा हुआ है, इस तरल पदार्थ को एक बेलनाकार बर्तन में जिसका अंदर का व्यास 10 सेंटीमीटर है उलट दिया जाता है, तो बेलनाकार बर्तन में तरल पदार्थ क्या हो, जब क्या कह रहा है बेलनाकार बर्तन हो जाता है, मतलब इसी में जो है बेलनाकार बर्तन भी है, ठीक है, मतलब ये पूरा इसमें बेलना का बर्तन, तो जो होता है इसमें शंकु का आयतन इक्वल टू बेलन का, ये दोनों एक दूसरे के अंदर आ जा फिट हो जाए तो इनका जो आपस में क्या होगा वैल्यू, मतलब आयतन बराबर होगा, तो हम क्या लिखेंगे शंकु का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब आपको पता होगा शंकु का सूत्र क्या होता है, 1/3 πr²h, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है πr²h। अब यहां देखिए हमें शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई पता है, 1/3 पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये 12 का क्यूब मतलब 144 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना है 50, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, अब पूछा किसका है, बेलन की ऊंचाई पूछा, बेलन का व्यास कितना दे रखा है, यहाँ बेलन का व्यास कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास 10 हो जाए तो तो हो जाएगा इंटू एच, हमें पूछा किसका है बेलन का ऊंचाई। अब देखते हैं हम लोग इससे 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2, इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा एच इक्वल टू आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। देखिए इसमें कुछ करना है, इसका त्रिज्या और ऊंचाई तो दिया, फिर क्या कह रहा है, किसी पदार्थ से भरा हुआ है, इस तरल पदार्थ को एक बेलनाकार बर्तन में, इसके बेलनाकार बर्तन में जिसका अंदर का अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर, बेलन का जो व्यास है अर्धव्यास, मतलब अर्धव्यास जो होता है त्रिज्या के बराबर होता है, मैंने अभी बताया है जस्ट डिजिकल टू आर होता है, ठीक है, तो ये चीज टू 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, देखिए जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो अच्छे से आप करिए, और आप बताइए अगर क्वेश्चन की संख्या बढ़ाना है तो आप कमेंट बॉक्स में कहिए, सर आप 25 से 30 क्वेश्चन लगे, 25 से 30 क्वेश्चन मतलब 1-2.5 घंटा का वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपका फर्स्ट नंबर काम है, आप वीडियो को शेयर करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और आप अच्छे से कमेंट करिए, जो चीज़ आपको जैसे तरह चाहिए आप बताइए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आप मिलते हैं।